नहीं जी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेजर हिस्टोबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 एंड 2। ये क्या होता है जरा बॉक्स से देखें। MHC इनकोडेड बाय HLA जीन्स प्रेजेंट एंटीजन, कुछ समझ आ रहा है यहाँ से? फ्रेगमेंट्स टू टी सेल्स एंड बाइंड टी सेल रिसेप्टर्स, इसके लुकाई जो है ना वो HLA। मेरे ख्याल में कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा इसको रीडिंग करें, समझ आता है? कुछ भी समझ नहीं आता। हम अभी इसको पहले पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये लाइंस आप खुद ब खुद फिर आप इसको कर सकेंगे। सबसे पहले समझ लें कि मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा, ठीक है? तीन चीजों को समझ लें, फिर आगे जो भी समझाऊंगा वो उसी में आएगा। मैंने आपको कहा था कि एक डायग्राम जो मैंने आपको पढ़ाई थी ना कि उसको याद रखना है, आज वही डायग्राम फिर दोबारा रिपीट होगी, लेकिन जरा डिटेल में रिपीट होगी। देखिए, आप देख लें कि हमारे पास जो एंटीजेंस होती हैं किसी भी किस्म की, वो दो तरह की होती है एंटीजेंस, ठीक है? एक होती है एक्सोजीनस एंटीजन, एक होती है एंडोजीनस एंटीजन, ठीक है? एक आपके जिस्म के अंदर वाली है, ठीक है? अब एंडोजीनस में कौन कौन सी आ सकती है? आपका वायरस हो गया। वायरस को मैं एंडोजीनस क्यों कह रहा हूँ? क्या ये सेल के अंदर होता है वायरस? यस। वो कैसे? कि बाहर से, लेट्स सपोज दैट कि आपका ये सेल था, बाहर से कोई भी वायरस आया है, ये इंट्री करता है अंदर, और अंदर इंट्री आके आपका जो डीएनए पड़ा हुआ था उसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है। इस बात का पता है ना सबको, ये फिजिकल सिंपल से नॉलेज है। उसको कंट्रोल कर लेता है और अपने जो है ना वो चीजें बनाना शुरू कर देता है, अपनी प्रोटीन और अपने आरएनए और अपने डीएनए बनाना शुरू कर देता है। अब ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? सेल के अंदर हो रहा है ना, तो इसीलिए वायरस को क्या बोलते होते हैं? एंडोजीनस एंटीजन बोलते होते हैं, ठीक है? या इसके अलावा आपका कोई ट्यूमर सेल है, तो वो आपका अपना सेल है ना, तो जो भी उसके अंदर प्रोटीन्स एक्स्ट्रा प्रोटीन्स पैदा हो रही होती है वो आपके सेल के अंदर पैदा हो रही होती है, तो वो क्या होती है? वो भी क्या होती है? आपके ट्यूमर वगैरह, ट्यूमर सेल्स हो गए, वो भी आपकी क्या होती है? एंडोजीनस एंटीजन होती है, ठीक है? अब उसके बाद एक्सोजीनस एंटीजन कौन सी होती है? एक्सोजीनस एंटीजन वो वाली होती है जो आपके बाहर से इंटर होती है। लेट्स सपोज दैट कि ये आपका सेल था, बाहर से कोई भी बैक्टीरिया दाखिल हुआ है, तो ये बैक्टीरिया क्या कहलाएगा? आपका एक्सोजीनस एंटीजन। तो ये बात समझ आ गया कि एंटीजन की दो टाइप्स होती हैं, एंडोजीनस एक्सोजन और एंडोजीनस और एक्सोजीनस एंटीजन। एंडोजीनस जो आपके सेल के अंदर होती है मसलन वायरस, और एक्सोजीनस जो बाहर से आती है मसलन बैक्टीरिया वगैरह हो गया। ये समझ आ गया एंटीजन? नहीं समझ आया? समझ नहीं आया? चलिए मैं रिपीट करता हूँ। देखिए, आपके जो एंटीजन है ना, एंटीजन एंटीजन दो तरह की होती है। एक एंटीजन होती है एंडोजीनस एंटीजन और दूसरी होती है एक्सोजीनस एंटीजन। जो एंडोजीनस एंटीजन होती है वो आपके सेल के अंदर होती है। अब इसकी एग्जांपल में हमने क्या पढ़ा है? ट्यूमर सेल्स एंड वायरस। अब वायरस तो बाहर से दाखिल होता है, इसको हम एंडोजीनस कैसे कहते हैं, सेल के अंदर कैसे कहते हैं? वो ये है कि ये मैंने यहाँ पे ये आपको एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे देखें ये, कि बाहर से किसी भी वायरस ने अंदर इंट्री की है। ये जैसे ही वायरस अंदर इंट्री करेगा, तो वायरस अंदर जाके, ये आपके एफएससी का बेसिक नॉलेज है कि आपका जो डीएनए न्यूक्लियस पड़ा हुआ है उसको जाके कंट्रोल कर लेता है, उसकी मशीनरी को संभाल लेता है, खुद कमांड करने लग जाता है वहां पर, ठीक है? वहां पर खुद कमांड करने के बाद अब ये वायरस, अब सेल का जो डीएनए था, हमारे जो डीएनए था उसने क्या काम करना था? अपना आरएनए बनाना था डीएनए से, और आरएनए से प्रोटीन अपनी बनानी थी। लेकिन ये क्या करेगा? ये अपना डीएनए से अपना आरएनए बनाना शुरू कर देगा और अपनी प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। तो ये अपनी चीजें बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि ये सारा काम कहाँ कर रहा है? हमारे सेल के अंदर कर रहा है ना, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम? एंडोजीनस एंटीजन कहते होते हैं। और इसी तरह ट्यूमर सेल्स, ये भी क्या होते हैं? एंडोजीनस एंटीजन होते हैं। क्यों? क्योंकि ट्यूमर सेल्स हमारे अपने सेल्स हैं, वो है तो कैंसर सेल्स लेकिन खराब हो चुके हैं, तो वो प्रोटीन एक्स्ट्रा प्रोटीन पैदा कर रहे हैं, तो वो हम उसको एज ए हार्मफुल एंटीजन लेते हैं। दूसरी होती है हमारे पास एक्सोजीनस एंटीजन, जो बाहर से दाखिल होती है। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल दिया कि बाहर से कोई बैक्टीरिया दाखिल हुआ तो वो अंदर आ गया, बैक्टीरिया आके हमारी मशीनरी तो नहीं संभालता, अगर ये भी हमारी मशीनरी संभालता होता तो ये भी क्या हो जाता? एंडोजीनस हो जाता। तो ये बाहर से आ रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते होते हैं? एक्सोजीनस बोलते होते हैं। समझ आ गया ये? गुड, ये एंटीजन समझ आ गया। इसी तरह की दो चीजें हम और पढ़ेंगे, हर किसी की दो दो टाइप्स होंगी, और ये दो दो टाइप्स फिर आगे रोल किरदार अदा करेंगे। अब दूसरे होते हैं, हम MSC की तरफ आ जाते हैं। ये मैं समझाऊंगा, MSC आपको समझ आ जाएगा। अब MSC जो मेजर हिस्टोबिलिटी कॉम्प्लेक्स, मेजर हिस्टोबिलिटी कॉम्प्लेक्स, इसकी भी दो टाइप्स होती है, मेजर हिस्टोबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 एंड मेजर हिस्टोबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2। अब जो आपका मेजर हिस्टोबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 है, ये एंडोजीनस एंटीजन को रेस्पॉन्स करेगा। किसको? एंडोजीनस एंटीजन को रेस्पॉन्स करेगा। और आपका जो मेजर हिस्टोबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 है, ये एक्सोजीनस एंटीजन को रेस्पॉन्स करेगा। याद करने का तरीका बताऊं कि कभी ना भूले। अब एंडोजीनस अंदरूनी मसाइल है, अंदरूनी मसाइल है हमारे, और हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो घर के अंदरूनी मसाइल हो, पहले हम लोग खुद उसको सॉल्व करें, तो पहले का लफ्ज आता है ना, तो ये पहले का MSC क्लास 1 पहले। तो मैं चाहता हूँ कि जो एंडोजन प्रॉब्लम्स हैं वो मैं पहले खुद ही सॉल्व कर लूँ, ठीक है? बाकी जो फिर एक्सोजीनस मसाइल है वो मैं फिर दूसरों को कहता हूँ कि ये प्लीज काइंडली मेरा सॉल्व कर, ठीक है? दूसरों से MSC क्लास 2 और पहले से MSC क्लास 1 हो गया, तो इसी तरह एंडोजीनस एक्सोजीनस। समझ आ गया ये?
इसके बाद आपके जो टी सेल्स होते हैं, टी सेल्स की दो टाइप्स होती हैं, ये तीसरा कंसेप्ट समझा रहा हूँ आप लोगों को मैं। आपके टी सेल की जो है ना, इसकी भी क्या होती है, दो टाइप्स होती हैं। एक इसकी होती है CD8 और CD4, ये आपको पता होगा, इसकी दो टाइप्स होती है CD8 और CD4। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो CD8 होता है ये इसको रिस्पॉन्स करेगा, ये सारा इसको रिस्पॉन्स करेगा एंडोजीनस को, MHC क्लास 1 को और CD8, ये एक ही चीज है। और CD4 किसको रिस्पॉन्स करेगा, एक्सोजीनस को, MHC क्लास 2 को और ये आपके CD4 को। याद करने का तरीका बताता हूँ, डोंट वरी। आपने पहली चीज याद हो गया कि एंडो को कौन पकड़ेगा, MHC क्लास 1 पकड़ेगी। अब ये नहीं हमें याद हो रहा कि MHC क्लास 1 CD4 के पास जाएगी कि CD8 के पास जाएगी। एक लफ्ज याद रखें, 8 याद रखें बस, कि आपने ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि 8 पूरा आना चाहिए। देखिए अगर CD8 है, मल्टीप्लाई 1 करें तो क्या आएगा, 8। तो मतलब आपका CD8 किस क्लास को पकड़ेगा, 1 को पकड़ेगा। अगर 4 है, मल्टीप्लाई करें 2 से, क्या बनेगा, 8 बनेगा। मतलब आपका 4 किसको पकड़ेगा, 2 को पकड़ेगा। अब ये याद हो जाएगा, एक्सोजीनस किसको पकड़ेगा, एंडोजीनस किसको पकड़ेगा, MHC क्लास किसको पकड़ेगी और ये CD4 पकड़ेगा, CD8 किसको पकड़ेगा। ये सारा समझ आ गया है, पक्की बात है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। रिस्पॉन्स CD8 CD4 आपके जो टी सेल्स है ना, टी सेल्स आपके टी सेल्स की टाइप्स होती है, ठीक है, दो टाइप्स होती है आपके टी सेल्स की, टी लिम्फोसाइट्स की। CD8 सेल्स भी होते हैं इनके, CD4 सेल्स भी होते हैं। अब ये डिटेल में जो है ना आगे जाके पढ़ेंगे, सिंपल इतना बता दूं कि CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, ये खुद किलिंग करते हैं, और CD4 जो है ना इनकी मजीद दो टाइप्स होती हैं, ठीक है, हेल्पर सेल्स होते हैं और टी हेल्पर सेल 1 होते हैं। ये फिर आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब आगे आएगा, अभी ये आपको कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी जरा आपके माइंड में, जाना ज्यादा चीजें हो जाएंगी। तो ये चीजें यहाँ तक समझ आ गई है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि आपका जो एंडोजीनस अगर आ जाए तो आपका MHC क्लास 1 कैसे काम करेगी और वो कैसे CD8 को एक्टिव करेगी। फिर हम पढ़ेंगे कि आपका अगर एक्सोजीनस आ जाए तो आपका MHC क्लास 2 कैसे एक्टिव होगी और वो CD4 को कैसे एक्टिव करेगी। अब हम ये चीजें देखेंगे, ठीक है, आगे बढ़ूंगा, यहाँ तक समझ आ गया। चले जी, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। अब आप लोग खुद बताते जाएंगे, आपको ये न्यूमेरिक याद है ना, मैं बीच बीच में ये छोटे छोटे क्वेश्चन करूंगा। ये चीज समझाने पहले इसलिए जरूरी था क्योंकि ये चीज बार बार रिपीट होगी वहां पर ना, तो मैंने ये चीज इसलिए पहले समझा दी है। अच्छा, वो क्या कहता है, वो कहता है कि ये आपका कोई भी सेल था, ठीक है, इस सेल में कोई बाहर से वायरस आया है। क्या आया है, वायरस आया है। अब मुझे बताएं कि एंडोजीनस है कि एक्सोजीनस है, एंडोजीनस है, वेरी गुड। ये अंदर दाखिल हुआ, ये यहाँ पे पहुंच गया। अब जैसे ही ये एंडोजीनस है तो एंडोजीनस को, जैसे ये हमारे सेल के अंदर दाखिल हो गया, जैसे ही हमारा सेल इसको देखेगा, तो हमारे सेल के अंदर प्रोटियोसोम पड़ी होती है। क्या पड़ी होती है, प्रोटियोसोम, इस तरह की जो है ना वो सिलेंडर टाइप एक स्ट्रक्चर पड़ी होती है प्रोटियोसोम। अब प्रोटोसोम का काम क्या होता है कि प्रोटोसोम किसी भी एंडोजीनस को देखेगा, किसी भी एंडोजीनस एंटीजन को देखेगा तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देगा। अब ये क्या हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे। अब ये छोटे छोटे टुकड़ों के साथ क्या होगा कि अब ये छोटे छोटे टुकड़े बन गए ना एंटीजन के, जो कि एंडोजीनस एंटीजन थी। अब ये मैं बता रहा हूँ कि आपके मैक्रोफेज के अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है और वो कैसे टी सेल्स को जाके एक्सप्रेस करता है। याद है ना मैंने कहा था मैक्रोफेज पकड़ता है चीजों को, फिर टी सेल को एक्सप्रेस करता है, तो वो कैसे अंदर प्रोसेस करेगा और कैसे उसको एक्सप्रेस करेगा, हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। ये एंडोजीनस एंटीजन आया, उसको प्रोटियोसोम ने, किसने, प्रोटियोसोम ने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर दिया। अब आपका यहाँ पे साइड पे रफ आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा होता है। क्या पड़ा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में MHC क्लास कौन सी पड़ी होनी चाहिए, 1 पड़ी होनी चाहिए, वेरी गुड, क्योंकि एंडोजीनस है उसको हम पहले खुद संभालेंगे। तो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर MHC क्लास 1 पड़ी हुई होती है, ये इसके अंदर पड़ी हुई होती है। अब आपका ये जो एंटीजन जिसके छोटे छोटे टुकड़े हुए थे, ये यहां से मूव करके आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जाएगा और कहेगा कि मुझे अंदर दाखिल होने दो, मुझे MHC क्लास 1 के पास जाना है। वो कहेगा नहीं, मैं तुम्हें अलाउ नहीं करता। तो उसका सोल्यूशन क्या है कि इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहता है कि दरवाजा है प्रॉपर, आपको दरवाजे से गुजरना पड़ेगा। दरवाजा क्या क्या नाम है, टैप, TAP, टैप, जो भी पढ़े इसको। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका जो है ना ट्रांसपोर्टर, ये देखिए ये लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड विद एंटीजन प्रोसेसिंग।
ये चैनल होते हैं, ये क्या होते हैं, चैनल होते हैं, जैसे आपके सोडियम चैनल पोटेशियम चैनल होते हैं, उसी तरह के क्या होते हैं आपके चैनल होते हैं, पड़े होते हैं, ये इनको पकड़ कर यहाँ से गुजार कर अंदर कर देंगे। चलें जी आप जो है ना अंदर चले जाएं और जाएं आपने जहां जाना है, ये अंदर जाएंगे और किसके पास जाके बैठ जाएंगे, आपके एमएससी क्लास वन के ऊपर जाके बैठ जाएंगे। अब एमएससी क्लास के ऊपर बैठ गए, अब आपको याद होगा एफएससी का बेसिक नॉलेज, किसी भी चीज को हमने सेल से बाहर निकालना हो तो उसको प्रोसेस कौन करता है, गॉल्जी गॉल्जी अपैरेटस, याद है ये कंसेप्ट। तो यहां से गॉल्जी अपैरेटस इसको प्रोसेस करेगा और इसको प्रोसेस करके इसको यहां पर बाहर निकाल देगा। अब आपका यहां पर क्या शो हो रहा है, एमएससी क्लास, बल्कि इस तरफ लेके आ जाए, एमएससी क्लास वन शो हो रहा है किसके ऊपर, अब इसी आपका जो मैक्रोफेज था या बॉडी का कोई भी सेल था उसके ऊपर एमएससी क्लास वन शो हो रही है। तो इस तरह आपका जो मैक्रोफेज है वो बाहर से चीजों को पकड़ता है, इंगल्फ करता है, ये सारा प्रोसेस करता है और इस तरह उसको सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस करता है। एक्सप्रेस हो गई, अब कौन सी जो है क्लास एक्सप्रेस हो रही है, एमएससी क्लास वन, तो कौन सा सेल एक्टिव होगा, टी सेल कौन सा एक्टिव होगा, CD8 एक्टिव होगा, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपका कौन सा सेल एक्टिव हो जाएगा, CD8 सेल एक्टिव हो जाएगा, ये आपका CD8 प्लस सेल जो है ना एक्टिव हो जाएगा। अब आपका CD8 प्लस सेल क्या करेगा, CD8 प्लस सेल जो है ना, कौन सा कलर करें, ये कर लेते हैं। अब CD8 प्लस सेल ये बाहर आ गया, अब CD8 प्लस सेल के ऊपर होते हैं TCR होते हैं, इसके ऊपर क्या होते हैं, टी सेल रिसेप्टर होते हैं, क्या होते हैं, टी सेल रिसेप्टर होते हैं। अब ये टी सेल रिसेप्टर बाहर की तरफ होते हैं और बेसिकली एक कम्प्लेक्स होता है इस तरह का, इसके अंदर होते हैं CD3, क्या होता है, CD3। देखें ये CD8 पॉजिटिव सेल्स के पास दो एक कम्प्लेक्स है, उस कम्प्लेक्स में बाहर की तरफ क्या लगे हुए हैं, TCR टी सेल रिसेप्टर लगे हुए हैं और अंदर की तरफ क्या लगा हुआ है, CD3 लगा हुआ है। अब आपकी यहाँ पर एमएससी क्लास वन जो है ना शो हो रही है, क्लास वन इसको बताया कि हाँ जी आपका मैंने एक बंदा पकड़ा हुआ है, ये आपको चाहिए, आपका दुश्मन था, आप इसको मारना चाहते हैं, वो कहता है ठीक है क्या, वो कहता है हाँ जी आपने पकड़ लिया मुझे ये चाहिए, तो वो अंदर पैगाम भेजेगा, ये TCR CD3 को पैगाम देगा, ये CD3 अंदर जाएगा इसके न्यूक्लियस में, ठीक है, उसको जाके बोलेगा हाँ जी हमारा एक जो है ना बंदा जो है ना हमारा दुश्मन था वो पकड़ा गया है, तो इसने कहा हाँ जी मैंने वाकई उसको मारना था, लेकिन वो मेरा दुश्मन काफी मजबूत है, आप जरा जाएं इससे कंफर्म करें कि क्या उन्होंने उसको पकड़ा हुआ है, बांधा हुआ है, उसको कमजोर किया हुआ है कि नहीं, मतलब उसको प्रोसेस किया हुआ है कि नहीं, ये जो प्रोसेस किया था उसने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा हुआ है कि नहीं तोड़ा हुआ, तो कहते हैं ठीक है आप, ये कहते हैं हाँ जी आप चेक कर ले मैंने उसको तोड़ा हुआ है, तो वो उसको चेक करने के लिए क्या सेक्रेट करेगा, ये कौन सा सेल है, CD8 है ना, ये क्या सेक्रेट करेगा, CD8 यहाँ सेक्रेट करेगा, वो इसके पास जाएगा और अंदर जाके प्रोसेस करेगा कि हाँ वाकई इसने जो भेजा है मुझे वो टूटा हुआ भी है कि नहीं टूटा हुआ, अगर वो टूटा हुआ है तो वो इसको बोलेगा हाँ जी वो टूटा हुआ है जी, उसने उसको प्रोसेस किया हुआ है, ये सारा जो भी प्रोसेस हुआ है ये क्या था, फर्स्ट सिग्नल था, ये क्या था, फर्स्ट सिग्नल था। आपके इन टी सेल्स को CD8 को एक्टिव होने के लिए दो सिग्नल नीड होते हैं, अभी तक जो भी हुआ है ये क्या था, फर्स्ट सिग्नल, फर्स्ट सिग्नल में क्या था कि आपका TCR और आपका CD3 इसके साथ अमल कर रहा था और CD8 वापस जाके चेक कर रहा था, ये सारा क्या है आपका, फर्स्ट सिग्नल है। अब सेकंड सिग्नल क्या है, अब जैसे ही ये देखेगा कि आपका जो है ना ये प्रोसेस हो चुका है तो साथ में पड़े होते हैं CD4, ये एक अनोखी चीज है, इंटरेस्टिंग सी चीज है कि इसका जो CD8 का जो सेकंड सिग्नल है वो CD4 भेजता होता है, ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है कि CD8 का जो सेकंड सिग्नल है वो कौन रिलीज करता है, CD4। अब CD4 यहां से इंटरल्यूकन 2 सेक्रेट करेगा, क्या, इंटरल्यूकन 2 जब आपका यहां पे पहुंचेगा मैक्रोफेज के अंदर तो वो इसको क्या, इस तरह ये आपके दोनों सिग्नल मुकम्मल हो जाएंगे, पहला सिग्नल भी और दूसरा सिग्नल भी, दोनों सिग्नल क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। जब दोनों सिग्नल कंप्लीट हो जाएगा तो आपका CD8 क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। आपका CD8 जैसे ही एक्टिव होगा तो आपके CD8 के अंदर से एक इंटरल्यूकन खारिज होगा, कौन सा इंटरल्यूकन, इंटरल्यूकन 2 खारिज होगा, कौन सा, इंटरल्यूकन 2, सेकंड सिग्नल क्या था, इंटरल्यूकन 2 था ना, तो इसके अंदर से भी क्या खारिज होगा, इंटरल्यूकन 2 इससे खारिज होकर दोबारा वापस इसी के ऊपर एक्ट करेगा। इंटरेस्टिंग है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इंटरल्यूकन 2 इसी के अंदर से निकला है और वापस भी किसके ऊपर एक्ट कर रहा है, इसी के ऊपर एक्ट कर रहा है। अब इसका काम क्या है, एक्ट क्यों करेगा, वो कहेगा कि आप जो है ना जरा प्रोलिफरेट कर ले, आप वो मैक्रोफेज के आश्रय ना बैठ जाए कि उसने उसको जो है ना बांधा हुआ है तोड़ा हुआ, तो आप ये ना समझे कि आप मजबूत हैं, आप खुद को प्रोलिफरेट करें, अपनी तादाद बढ़ाएं, अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग कर लें, तो ये जो है ना आपका ये प्रोलिफरेट होना शुरू हो जाएंगे, आपके CD8 सेल्स क्या होना शुरू हो जाएंगे, प्रोलिफरेट, अब ये नंबर में बढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट काम क्या होता है, अब आपका ये नेक्स्ट काम ये करता है कि ये जहां से क्या करेगा, ये यहां से जो है ना आपके परफ्यूरिन सिक्रीट करेगा, ये क्या सिक्रीट करेगा, ये रंग दिखाई दे रहा है, परफ्यूरिन सिक्रीट करेगा,
परफोरेंस सीधा किसके पास जाएंगे, इसी जिसके पास क्या थी, वायरस इसके अंदर दाखिल हो चुका था सेल के अंदर। इसमें जाके परफोरेंस का काम होता है कि इसकी मेम्ब्रेन में सुराख कर देना, क्या कर देना, सुराख कर देना। तो ये इसमें सुराख कर देगा सारे, तो इस सेल में अब हो गए सुराख। अब दूसरा काम क्या है कि दूसरा ये पीछे से क्या भेजेगा, ग्रेनजाइम भेजेगा, क्या भेजेगा, ग्रेनजाइम भेजेगा। ग्रेनजाइम क्या होते हैं, ग्रेनजाइम इंजाइम्स होते हैं जिनके अंदर एक्टिविटी थी चीज को काटने की। आपने एपोप्टोसिस पढ़ा होगा, उसमें कस्पेज प्रोटीएज एंजाइम पढ़े हैं, प्रोटीएज एंजाइम, कस्पेज एंजाइम। तो ये ग्रेनजाइम्स, कस्पेज एंजाइम्स, प्रोटीएज एंजाइम यानी एंजाइम्स होते हैं जिनके अंदर एक अथॉरिटी होती है, चीज को कट कर सकते हैं, उसको तोड़ फोड़ सकते हैं, उसको डेड कर सकते हैं। तो ये जो पोर्स हुए थे, इन्हीं पोर्स के जरिए आपके ये ग्रेनजाइम्स, कस्पेसेस, प्रोटीएज अंदर दाखिल हो जाएंगे और अंदर जाके आपके इस पूरे सेल की एपोप्टोसिस करा देंगे। क्या करा देंगे, एपोप्टोसिस। तो आपका ये पूरा सेल क्या हो जाएगा, मर जाएगा, इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो जो आपका ट्यूमर वाला सेल था वो भी इसी तरह ही मरता है, उसकी डेथ करा देते हैं। अगर आपका ये ट्यूमर सेल नहीं है, आपका बाहर से कोई वायरस इसके अंदर दाखिल हो गया है, तो वो उस सेल की इस तरह डेथ करा देते हैं ताकि आपका वायरस सेल इसके अंदर मजीद प्रोलिफरेट ना कर सके, इसकी मशीनरी को संभाल के आपका डीएनए या प्रोटीन अपना मजीद ना बना सके। समझ आ गया ये कंसेप्ट, या मैं इसको रिपीट करूं? मेरा क्वेश्चन है, ये जो CD4 ने सेकंड सिग्नल दिया है CD8 को, CD4 को कैसे पता चला कि CD8? ये एक मुकम्मल, ये मुझे, ये एक मुकम्मल प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। अब लाजमी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ MSC क्लास 1 ही शो हो रही हो, अब इसी तरह MSC क्लास 2 भी शो हो रही होगी, उसको वो भी बता रहा होगा कि यहाँ पे आ रहा है। तो ये भी एक्टिव पड़ा हुआ है, ये एक किस्म की इसकी हेल्प कर रहा होता है। CD4 का दूसरा नाम ही हेल्पर सेल्स है, ये इसकी हेल्प कर रहा होता है कि हाँ भाई आप जरा सोए पड़े हैं, एक्टिव हो जाए और जरा ये काम जरा करें। तो ये समझ आ गया, मैं इसको रिपीट करूँ, जरा रिपीट करने की जरूरत है, एनीवन समझ आ गया? TCR आपके T से T हो गया, टी सेल्स हो गया, टी से टी सेल्स, और सी से सेल्स, आर से रिसेप्टर्स। ये टी सेल्स रिसेप्टर होते हैं जो आपके टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर पड़े हुए होते हैं। कोरोई क्वेश्चन रिपीट कर दूं? चले मैं इसको रिपीट कर देता हूं एक बार। रिपीटेशन में क्या है कि ऐसे कर लेते हैं, वो कहता है सबसे पहले एक वायरस है, वायरस अंदर दाखिल हुआ, जैसे ही वायरस अंदर दाखिल हुआ तो उसको कौन पकड़ लेगा, आपका प्रोटियोसोम पकड़ लेगा। प्रोटियोसोम उसको छोटे छोटे टुकड़े बना देगा, ये छोटे छोटे टुकड़े मूव करके किसके पास जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, जिसके अंदर MSC क्लास 1 पड़ी हुई है। अब ये उस पे जाएगा, उसमें दाखिल किसके जरिए होगा, आपके TAP चैनल के जरिए दाखिल होगा, उनमें दाखिल हो जाएगा, उसके ऊपर जाके बैठ जाएगा, उसके ऊपर जाके बैठ के फिर आपके गाल्जी अपरेटस के जरिए ये बहर यहाँ पर शो होगा। शो किसके जरिए होगा, MSC क्लास 1, क्योंकि अंदर कौन सी क्लास पड़ी हुई थी, MSC क्लास 1 थी। अब MSC क्लास 1 यहां पर शो हो रही है क्योंकि MSC क्लास 1 शो हो रही है ना, तो इसीलिए यहां से ये कौन सा सेल आएगा, इधर से CD8 आएगा क्योंकि MSC क्लास 1 है। अब CD8 पहले फर्स्ट सिग्नल लेगा, फर्स्ट सिग्नल क्या है कि इसका TCR पड़ा हुआ था और नीचे क्या था, इसका CD3 पड़ा हुआ था। TCR MSC क्लास 1 के साथ इंटरेक्ट करेगा और CD3 को हुक्म देगा कि हमारा दुश्मन आ गया है, एंडोजीनस एंटीजन आ गई है, वो किसके पास जाएगी, आपके न्यूक्लियस के पास, और आपका न्यूक्लियस CD8 सिक्रीट करेगा ये चेक करने के लिए कि आया के जो पैथोजन है उसको क्या तोड़ा भी गया है कि नहीं किया गया, उसको प्रोसेस किया गया है। वो कहेगा हाँ जी किया गया है, फर्स्ट सिग्नल कंप्लीट है। तो मैंने इंटरेस्टिंग बात बताई है कि इसका सेकंड सिग्नल कौन देता है, CD4 देता है, जो कि क्या होता है, इंटरल्यूकन 2 होता है। जब ये सेकंड सिग्नल भी मिल जाता है तो फिर आपका जो CD8 होता है ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होकर ये क्या सिक्रीट करता है, इंटरल्यूकन 2। ये इंटरल्यूकन 2 वापस ही किसके ऊपर एक्ट करती है, इसी के ऊपर एक्ट करती है, और इसी के ऊपर एक्ट करके इसको क्या करा देती है, प्रोलिफरेट करा देती है। जब ये प्रोलिफरेट हो चुका है, एक्टिव हो चुका है, तो ये सबसे पहले क्या सिक्रीट करेगा, परफोरेंस, और ये परफोरेंस जाके इसमें क्या कर देंगे, होल कर देंगे, सुराख कर देंगे। अब दोबारा ये क्या सिक्रीट करेगा, ग्रेनजाइम्स, कस्पेसेस, प्रोटीएजेस, जो इन्हीं सुराखों के जरिए अंदर दाखिल होंगे और अंदर जाके क्या करा देंगे, एपोप्टोसिस करा देंगे। तो इस सेल की डेथ हो जाएगी, या फिर कैंसर सेल्स हो या फिर ये वायरल सेल हो, तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरह हम इसको क्योर कर सकते हैं। समझ आ गया? एक सेकंड में देख लेंगे कि कोई चीज रह तो नहीं गई, मेरे ख्याल में सारी चीजें हो गई हैं। अच्छा, इसमें एक ये चीज है कि यहाँ पर CD8 सेल्स बन गए थे ना, अब इन्होंने जो है ना सेल को, इसको मार दिया है, ये जो सेल था इसको क्या कर दिया, इसकी डेथ कर दी है। अब डेथ के बाद ये हो सकता है उसकी तो डेथ हो गया, तो CD8 सेल्स कहाँ जाते हैं फिर, CD8 पॉजिटिव सेल्स कहाँ जाते हैं, एनीवन? CD8 सेल्स बने हुए थे ना, उन्होंने जाके इसको मार दिया, इसमें काम खत्म हो गया। अब CD8 सेल्स कहाँ जाते हैं खुद, अगर वो हमारी बॉडी में रहे तो वो तो तमाम सेल्स को मारते रहेंगे, तो कहाँ जाते हैं वो, इनकी भी क्या हो जाती है, एपोप्टोसिस हो जाती है, ये भी मर जाते हैं, ये भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन कुछ आपके CD8 जिंदा रहते हैं एज ए मेमोरी सेल्स,
अब आप कहेंगे जी मेमोरी सेल्स तो जिंदा रहते हैं, अब ये मेमोरी सेल्स हमारे दूसरे सेल्स को क्यों नहीं मारते, क्वेश्चन है ना। मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर ये जिंदा रहेंगे तो हमारे दूसरे सेल्स को मारेंगे, इसीलिए इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, एपोप्टोसिस हो जाती है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि ये जो है ना, इसको पहली बात था, इसको सिग्नल नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि बाहर से कोई वायरस आएगा तो इसको सिग्नल मिलेगा, तो इसको सिग्नल ही नहीं मिलता। अगर हमारे अंदर कोई हार्मफुल वायरस होगा तो इन्होंने उस स्पेसिफिक हार्मफुल के खिलाफ मेमोरी बनाई हुई है, मतलब स्पेसिफिक के खिलाफ मेमोरी बनाई हुई है, वो स्पेसिफिक आएगा तो हम उसको मारेंगे, वरना हर किसी को नहीं मारेंगे, तो इनको वो सिग्नल मिलेगा तो ये एक्टिव होंगे तो फिर ये उसको मारेंगे, अदरवाइज उसको ये नहीं मार सकते। तो ये समझ आ गया, और कुछ मेरे ख्याल में सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, अगर यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग, समझ आ गया। मैं इसको साफ कर दूं, अल्लाह के वली कुछ नहीं होता, क्या हो गया, बोल दिया करो हाँ के ना, हाँ हमारा नूर खान इधर नहीं है वरना उसको नींद आ जाती है। ये भी बड़ा मुश्किल काम है लिख के सारे को फिर साफ करना। चले जी अब हम पढ़ते हैं एमएससी क्लास टू के बारे में। एमएससी क्लास टू किसको ले रही थी, एक्सोजेनस को, सेम वही बात रिपीट करूंगा उसी तरह का सारा, देखें वही डायग्राम घूम रही है कि नहीं घूम रही जो मैंने कही थी। अब इसी डायग्राम को हम डिटेल्स में करते जाएंगे, सिर्फ इम्यूनोलॉजी कुछ भी नहीं है, यही डायग्राम है, नथिंग एल्स। अब आपका बैर से कोई भी आपका ये पैथोजन आया जो कि क्या था, एक्सोजेनस था, अब ये क्या था, एक्सोजेनस था, इसने आपकी बॉडी के अंदर क्या कर दिया, एंट्री कर दिया जी, एंट्री मार दिया जी, हीरो वाली अपनी मेरी जो है एंट्री हो गई है। अब अंदर आके ये खुश हो गया है कि हाँ जी मैंने एंट्री मार दी है, मैं अब तबाही मचाऊंगा, लेकिन इसको नहीं पता कि अंदर हमारा लाइसोजोम भी बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये जैसे ही अंदर दाखिल होगा, ये पहले बैर था ना, बैर जब अंदर जाएगा इसको क्या कहते हैं, फेगोसोम कहेंगे आप इसको, क्या कहेंगे, फेगोसोम। जब ये तो कंसेप्ट सिंपल सा है, मेरे ख्याल में सबको पता होता है कि अगर ये बैर है तो ये पैथोजन है, अंदर दाखिल हो गया तो अब इसको क्या कहते हैं, फेगोसोम कहते हैं। अब ये फन खा बना बैठा है, हीरो है कि मैंने हीरो वाली एंट्री मार दिया, इसको नहीं पता अंदर मेरा लाइसोजोम भी बैठा हुआ है। अब लाइसोजोम जो है ना अंदर आके इसके साथ क्या कर लेगा, मैं किसी और कलर से इसको बनाता हूँ, ये लाइसोजोम इसको आके इस तरह इंगल्फ कर लेगा, चलो जी आ जाओ जी, फिर ये इस तरह की शक्ल बन जाएगी कंप्लीट तौर पर। अब आपका फेगोसोम किसके अंदर आ चुका है, लाइसोजोम के अंदर आ चुका है, इस कंप्लीट को हम क्या कहेंगे, फेगो लाइसोजोम, क्या कहेंगे, फेगो लाइसोजोम बोलेंगे, या फिर इसको एंडोसोम भी बोलते होते हैं, ठीक है, इसके दो नाम हो गए। पहला क्या, इसका बाहर से आया अंदर फेगोसोम हो गया, फेगोसोम को लाइसोजोम ने इंगल्फ कर लिया, खा लिया, अब मुकम्मल को क्या कहेंगे, फेगो लाइसोजोम कहेंगे, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, एंडोसोम है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे प्रोसेस क्या होता है, आगे प्रोसेस ये होता है कि यहाँ पर ये क्या करेगा, आपको पता है लाइसोजोम के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स होते हैं, ये तो सबको पता होता है ना कि इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स वो होते हैं जो किसी चीज को कट कर देते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, इनके अंदर वही कटिंग जो है ना वो एक्टिविटी होती है, नेचर होती है इनकी, तो वो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। तो इसके अब जनाब के जो है ना जो फन्ने खां बन के आया हुआ था कि मैं हीरो हूँ, उसके क्या हो चुके हैं, छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं। अब इनके टुकड़े होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि आपका साइड पे क्या पड़ा हुआ था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप मुझे बताएं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कौन सी क्लास होगी, एमएससी क्लास टू, क्योंकि एक्सोजन बाहर से दूसरे को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो एमएससी क्लास टू इसके अंदर पड़ी होती है। अब एमएससी क्लास टू अब इसको इसके पास जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस सूरत में एमएससी क्लास खुद चल के इसके पास आएगी, खुद इसके पास चल के आएगी, लेकिन आपकी एमएससी क्लास टू है फ्री नहीं होती, वो कहती है कि मैंने अपनी एंट्री सबके लिए बंद की हुई है, ये इस तरह की इसकी इनवेरिएंट चेन लगी होती है ऊपर, ये जो मैंने ऊपर पाई की तरह की ऊपर की ये वाली जो बनाई है, ये वाली, ये इनवेरिएंट चेन लगी होती है इसके ऊपर, जिसने इसकी एक्टिवेशन को बंद किया हुआ होता है कि आप एक्टिव नहीं हो सकते, किसी चीज के साथ बाइंड नहीं कर सकते, तो ये इसने इसको बंद किया हुआ होता है। अब ये यहां से मूव करके कहां पे आ गई है, ये आपकी यहां पहुंच चुकी है, इसके अंदर ऊपर क्या लगी होती है, इनवेरिएंट चेन लगी होती है। अब आपको पता है कि फेगो आपके लाइसोजोम के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स होते हैं ना। अब यही हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स जाएंगे इसके पास के आप जो है ना जरा मेहरबानी करें और अपनी जो ये आपकी जो ये इनवेरिएंट चेन है इसको रिमूव करें, मतलब कि आपके हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स इस चेन को जाके क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, चेन क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है।
जब चेन रिमूव होती है तो आपका एमएससी क्लास फ्री, सॉरी चेन नहीं रहती है, फ्री हो जाता है इस तरह का। तो आपका जो ये एंटीजन पड़े हुए थे ये इसके ऊपर आके क्या हो जाते हैं, लोड हो जाते हैं। अब आपकी क्या बन चुकी है, एमएससी क्लास 2 बन चुकी है। एमएससी क्लास 2 बनने के बाद ये यहां से बाहर गॉल्जी अपैरेटस के जरिए बाहर आके यहां पर एमएससी क्लास 2 आपकी एक्सप्रेस हो जाएगी। अब एमएससी क्लास 2 एक्सप्रेस हो रही है, अब एमएससी क्लास 2 को कौन पकड़ेगा, CD4 पकड़ेगा। वेरी गुड, इसको कौन पकड़ेगा, CD4 आके पकड़ेगा। जस्ट अ सेकंड, इसको CD4 आके पकड़ेगा। ये कौन है, CD4। अब CD4 के ऊपर भी इसी तरह ऊपर क्या होते हैं, TCR होते हैं, और अंदर से क्या होता है, CD3 होता है। ये कॉम्प्लेक्स पड़ा हुआ होता है इस तरह का, ठीक है। अब यहां पर ये क्या करेगा, यहां पर वो सेम चीज रिपीट करेगा कि इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये TCR किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। और पैगाम किसको देगा, CD3 को। CD3 किसके पास जाएगा, न्यूक्लियस के पास, कि हमारा दुश्मन आया है, इसका क्या करना है। वो कहेगा आया कि आप चेक करो कि इसको प्रोसेस भी किया है कि नहीं किया। ये कहता है कि हाँ जी मैंने प्रोसेस किया हुआ है, आप चेक कर लो। ये फिर चेक कैसे करता है, CD8 क्या सीक्रेट कर रहा था, CD8। ये क्या है, CD4। तो CD4 क्या सीक्रेट करेगा, CD4। सिंपल सा है, ये इसके पास भेजेगा। ये कहेगा हाँ जी ये इसको प्रोसेस कर रहा है, क्या कर रहा है, इसको प्रोसेस कर रहा है। अगर ये इसकी प्रोसेसिंग हो रही है तो ये पहला सिग्नल मुकम्मल हो गया। पहला सिग्नल क्या हो गया, मुकम्मल। अब सेकंड सिग्नल नीड होता है। सेकंड सिग्नल कैसे आता है, सेकंड सिग्नल ऐसे आता है कि आपका ये जो मैक्रोफेज है ये सेक्रेट करता है B7। क्या सेक्रेट करता है, B7। और आपका जो CD4 है ये सेक्रेट करता है CD28। ये यहां पर आपस में इंटरेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। तो आपका सेकंड सिग्नल भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। सेकंड सिग्नल भी क्या हो जाएगा, पूरा। अब जैसे ही सेकंड सिग्नल पूरा होता है तो आपका ये जो CD4 है, क्या है, CD4। आपका CD4 की ये एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, ये सारी स्टोरी को भूल जाए, मेरी तरफ देखें, इधर वापस आ जाए, कि आपके CD4 की दो टाइप्स होती हैं। CD4 की कितनी टाइप्स होती हैं, दो। एक CD4 हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल 1, और CD4 टी हेल्पर सेल 2, ठीक है। CD4 टी हेल्पर सेल 1 ये जैसे ट्यूबरक्लोसिस नहीं होती, टीबी वगैरह, उसको मारने के लिए किरदार अदा करता है, अब्सेस बनाता होता है, यानी कोई भी चीज है उसके इर्द गिर्द ऐसे दीवार बना देगा, ठीक है, ताकि ये बाहर किसी और को इन्फेक्ट ना कर सके। जबकि आपका टी हेल्पर सेल जो 2 है ये किसके पास जाता होता है, याद करें, बी सेल्स के पास, बी सेल से प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा से एंटीबॉडी, ये वो वाला प्रोसेस कराता होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट था, अभी वापस आ जाए अपनी स्टोरी पे। क्या हुआ कि यहाँ पर इसने फर्स्ट सिग्नल भी हो गया, सेकंड सिग्नल भी हो गया। सेकंड सिग्नल क्या था कि आपके मैक्रोफेज से क्या आएगा, B7, और आपके CD4 से क्या आएगा, CD28। अगर सेकंड सिग्नल आपका यही वाला हो जो मैंने अभी बताया है, तो आपका जो CD4 सेल बनेगा वो बनेगा CD4 टी हेल्पर सेल 2। तो आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, CD4 टी हेल्पर सेल 2 बन जाएगा। अब क्या बन जाएगा, CD4 टी हेल्पर सेल 2 बन जाएगा। लेकिन अगर आपका यही सेकंड सिग्नल इंटरल्यूकिन 12 हो, क्या हो, और ये कैसे स्क्रिप्ट होता है, मैक्रोफेज से, कैसे मिक्स हो रहा है, सारा मिक्स हो रहा है, नहीं हो रहा मिक्स, हो रहा है मिक्स। चलिए मैं इसको अभी, अच्छा आप इसको भूल जाए, अभी आप ये टी हेल्पर सेल 1 को भूल जाए, अभी टी हेल्पर सेल 1 को आप भूल जाए। अभी इतना याद रखें कि यहां से सेकंड सिग्नल क्या आया, यहां से B7 आया, और यहां से क्या आया, CD28 आया। ये सिग्नल आ गया, जब ये सेकंड सिग्नल हुआ तो इस सेकंड सिग्नल के बाद आपके टी हेल्पर सेल 2 क्या हो जाएंगे। सिंपल सा तरीका है, अगर सेकंड सिग्नल 2 हो, सेकंड सिग्नल कितने हो, 2 सेकंड सिग्नल है ना, B7 भी है और CD28 भी है, 2 है ना। अगर सेकंड सिग्नल 2 हो तो टी हेल्पर सेल 2 एक्टिव होंगे, ठीक है। अगर सेकंड सिग्नल 2 हो तो टी हेल्पर सेल 2 एक्टिव होंगे। तो यहां पर सेकंड सिग्नल 2 है तो टी हेल्पर सेल 2 एक्टिव होगा। ये जैसे ही एक्टिव होगा तो ये अपने अंदर से दोबारा सेम वही इंटरल्यूकिन 2 सेक्रेट करेगा। इंटरल्यूकिन 2 यहां से निकलकर फिर इसी के ऊपर एक्ट करेगा, इसी के ऊपर एक्ट करके इसको कहेगा क्या करो, आप प्रोलिफरेट करो। अब ये टी हेल्पर सेल 2 है सारे, टी हेल्पर सेल 2 किसके पास जाते होते हैं, बी सेल्स के पास, किसके पास, बी सेल से फिर क्या बन जाएंगे, प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल से क्या बनेंगी, एंटीबॉडीज। आपकी एंटीबॉडीज जाके इसी पैथोजन को क्या कर देंगी, किल कर देंगी। यहां तक समझ आ गया है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, ठीक है,
सारे को। अभी टीएल पार्सल 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है, टीएल पार्सल 1 में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं बाद में बता देता हूं। अब सबसे पहले बाहर से क्या आया, कोई भी आपका पैथोजन आ गया, जैसे ही अंदर दाखिल हुआ आप इसको क्या कहेंगे, फेगोसोम कहेंगे। अब आपका यही फेगोसोम को लाइसोसोम क्या कर लेगा, इंगल्फ कर लेगा। इंगल्फ करने के बाद से क्या कहते हैं, फेगो, ये बैक्टीरिया है, एक्सोजेनस पैथोजन होगा, ये बैक्टीरिया होगा, तो अब इसको क्या कहेंगे, फेगोलाइसोसोम कहेंगे। अभी फेगोलाइसोसोम को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करेंगे, कट करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। अब इधर आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सी क्लास पढ़ी थी, एमएससी क्लास 2 पढ़ी थी, क्योंकि दूसरी क्लास पढ़ी है तो बहर के मामला होंगे, तो बहर के मामला को एमएससी क्लास 2, एमएससी क्लास 2 इसके पास आएगी, लेकिन उसके ऊपर इनवेरिएंट चेन लगी हुई है। अब ये इनवेरिएंट चेन को रिमूव करेगा, इनवेरिएंट चेन को कौन रिमूव करेंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसको रिमूव कर देंगे। अब इसके ऊपर ये जो एंटीजन था आके बैठ जाएगा, ये एमएससी क्लास 2 के थ्री ऊपर क्या होगा, जहर होगा। एमएससी क्लास 2 है तो कौन सा एक्टिव होगा, CD4 एक्टिव होगा। CD4 फिर वही TCR CD3 के जरिए इसको पहचानेगा, नीचे पैगाम भेजेगा न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस CD4 भेजेगा कि कंफर्म करो कि प्रोसेस भी किया है कि नहीं किया। अब ये इसको कंफर्म करेगा, यहां से सेकंड सिग्नल आएगा, B7 आएगा मैक्रोफेज से, और CD28 आएगा कैसे, CD4 से। ये इंटरेक्ट करेंगे और कहेंगे कि हाँ जी वाकई जो है ना ये क्या हुआ, क्या है, एंटीजन है और प्रोसेस किया हुआ है, सेकंड सिग्नल मिल गया। जैसे ही सेकंड सिग्नल मिलेगा तो आपका CD4 किस में चेंज हो जाएगा, CD4 टी हेल्पर सेल 2 में। टी हेल्पर सेल 2 क्या खारिज करेगा, इंटरल्यूकिन 2, जो वापस इसी के ऊपर एक्ट करेगा, इसी के ऊपर एक्ट करके इसको क्या करा देगा, प्रोलिफरेट करा देगा। प्रोलिफरेट सेल्स किसके पास जाएंगे, बी सेल्स किसके पास जाएंगे, प्लाज्मा सेल्स क्या बनाएंगे, एंटीबॉडीज किसको जाकर किल कर देंगे, उस पैथोजन को बैक्टीरिया को जाकर क्या कर देंगे, किल कर देंगे। सिंपल सा फर्क क्या है जो टी हेल्पर सेल 1 और 2 में है। अब अगर यहाँ पर जो सेकंड सिग्नल था, सेकंड सिग्नल 2 थे, अब 2 सेकंड सिग्नल की बजाय आपका मैक्रोफेज सिर्फ 1 सेकंड सिग्नल भेज रहा है, इंटरल्यूकिन 12। अगर सेकंड सिग्नल आपका है इंटरल्यूकिन 12, तो आपका जो CD4 है वो क्या बन जाएगा, टी हेल्पर सेल 1 बन जाएगा। और टी हेल्पर सेल 1 क्या करेगा, टीबी जैसे जो ऑर्गेनिज्म है उनकी क्या करेगा, किलिंग कर देगा, उनके इर्द गिर्द दीवार बना देगा कि वो मजीद स्प्रेड ना हो सके, उनको अंदर ही बंद कर देगा, अंदर ही उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ये चीज समझ आ गई है, पक्की बात है। अच्छा, ये जो सीडी टी हेल्पर सेल 1 बनने होते हैं और टी हेल्पर सेल 2 बनने होते हैं, ये भी इसी पैथोजन के ऊपर डिपेंड करते होते हैं। अगर पैथोजन टीबी है, पैथोजन क्या है, टीबी है, यानी ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है, तो आपका कौन सा हेल्पर सेल बनेगा, 1 बनेगा ना, टी हेल्पर सेल 1 बनेगा ना, क्योंकि टीबी को कौन मारते होते हैं, टी हेल्पर सेल 1 मारते होते हैं, तो वो जाके इसकी अब्सेस फॉर्मेशन करेंगे, वो जाके इसको मार देंगे। लेकिन अगर आपका कुछ इस तरह का है कि वो जो है ना एंटीबॉडी से मरेगा, वो टीबी नहीं है, तो फिर आपका कौन एक्टिव होगा, टी हेल्पर सेल 2 एक्टिव होगा। यहां तक कोई चीज समझ ना आई हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग। सेकंड सिग्नल जो है ना, अगर आपने आपका बनना है टी हेल्पर सेल 2, तो सेकंड सिग्नल मैक्रोफेज से आएगा B7, और आपके CD4 से आएगा CD28, क्योंकि CD4 है ना, तो CD4 से CD28, और मैक्रोफेज से आएगा B7। अगर सेकंड सिग्नल 2 होंगे तो हेल्पर सेल कौन सा बनेगा, टी हेल्पर सेल 2 बनेगा, यानी 2 बनेगा। अगर यही सेकंड सिग्नल मैक्रोफेज की तरफ से एक ही है, जो कि इंटरल्यूकिन 12, तो आपका जो CD4 बनेगा वो क्या बनेगा, टी हेल्पर सेल 1 बनेगा। नहीं, 2 है ना, देखिए CD28 भी तो आ रहा है ना, इस कंडीशन में, इस इंटरल्यूकिन 12 की कंडीशन में क्या आपका CD4 कोई सेकंड सिग्नल दे रहा है, नहीं दे रहा, वो एक ही सिग्नल आ रहा है, इंटरल्यूकिन 12 आ रहा है, मैक्रोफेज की तरफ से आ रहा है, तो इसका मतलब है कि एक ही है, तो टी हेल्पर सेल 1 बनेगा। समझ आ गई है, स्टिल कोई क्वेश्चन है, चलिए हम इसकी अब रीडिंग करते हैं, ठीक है, इसकी रीडिंग करते हैं कि ये अब मेरे ख्याल में आपको रीडिंग इजीली समझ आएगी कि वो क्या कहना चाहता है। पूछे, सॉरी, नहीं, यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर जो है ना आपका, मैंने पहले कहा था CD8 सेल्स को साइटोटॉक्सिक सेल्स कहते होते हैं, साइटोटॉक्सिक, इनमें टॉक्सिक होती है, ये जाके पूरे सेल को मार देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि ये आपकी एंटीबॉडीज बनाती है, एंटीबॉडीज जाके उस
एंटीजन को जाके मारती है, या फिर उस मखसूस बैक्टीरिया के खिलाफ अब्सेस फॉर्मेशन हो जाएगी टी हेपर सेल 1 की कंडीशन में। हाँ, ओवरऑल सेल को नहीं मार रहा। चलें कोई और क्वेश्चन है, मैं देखने कोई चीज स्किप ना हो जाए आ रहा है तो आप लोग वो देख ले। तो आपको जो सेकंड सिग्नल होता है ना, ये डिफरेंशिएशन सिग्नल होता है कि आपका टी हेपर सेल 1 बनेगा या टी हेपर सेल 2 बनेगा। समझ आ गया यहां तक? कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? चलिए हम इसकी रीडिंग करते हैं, जरा आ जाए। मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 एंड 2 एमएससी इनकोडेड बाय एचएलए जीन। इसको जो इनकोड करता है उस जीन का नाम क्या होता है? एचएलए जीन। मतलब ये जो मेजर हिस्टोबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 एंड 2 है, हमारे सेल में जो भी चीज बनेगी ना, उसको कोई ना कोई जीन बना रहा होगा ना। ऑफ कोर्स हमारे डीएनए में कोई जीन होगा, कोई चीज को बना रहा होगा। तो इसको जो जीन बनाता है उस जीन का नाम होता है एचएलए जीन। ठीक है, प्रेजेंट एंटीजन फ्रेगमेंट्स टू टी सेल्स। ऑफ कोर्स ये एंटीजन के जो टुकड़े होते हैं वो किसको जाहिर कराता होता है? टी सेल्स को जाहिर कराता होता है। एंड बाइंड टी सेल रिसेप्टर्स, और टीसीआर के साथ बाइंड करता है ना। ये सिंपल सी स्टोरी की, इधर से पकड़ेगा और ये एमएससी क्लास जो है ना, ये किसको शो करेगी? आपके टीसीआर को ही शो करेगी। ये वही बात बता रहा है यहाँ पर। समझ आ गई है? आगे देखें, वो कहते हैं एमएससी क्लास 1 और एमएससी क्लास 2, इसका जो लोकाई होता है वो कौन सा होता है? क्योंकि ये लोकाई एमएससी क्लास 1 है ना, एमएससी क्लास 1 है ना, तो इसका जो लेटर होगा वो भी 1 होगा। जैसे एचएलए 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 ए बी सी, एक लेटर होगा, या ए होगा या बी होगा या सी होगा। जबकि एमएससी क्लास 2 है ना, तो इसके लेटर 2 होंगे, एचएलए एचएलए एचएलए, ये जीन तो हो गया, लेकिन लोकाई डीपी डीक्यू डीआर 2 है ना। अब इसको याद करने का तरीका क्या है कि एमएससी क्लास 1 है तो लेटर एक ही होगा, ए बी सी होगा। ये एमएससी क्लास 2 है तो इसके लेटर 2 होंगे, डी तो हर एक में आ रहा है, पहले डी डी डी, फिर क्या आ रहा है? पी क्यू आर, सीधा स्क्वायर में पी क्यू आर, तो इसके 2 लेटर होंगे। यही बात कर रहा है, एमएससी 1 लोकाई है 1 लेटर, एमएससी क्लास 2 लोकाई है 2 लेटर्स। अच्छा, बाइंडिंग, आपका जो एमएससी क्लास 1 था उसकी बाइंडिंग किसके साथ हो रही थी? CD8, और CD8 के पास क्या थे? TCR। और आपका जो एमएससी क्लास 2 है उसकी बाइंडिंग किसके साथ हो रही थी और उसके पास क्या थे? TCR। स्ट्रक्चर, वो कहता है इसकी एक लॉन्ग चेन होती है, एक क्या होती है? शॉर्ट चेन होती है। ये देखें, ये इसकी स्ट्रक्चर है सारी, ये एमएससी की स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर किस तरह की होती है? ये जो मैं ऊपर एमएससी बना रहा था ना, ये स्ट्रक्चर इस तरह की होती है कि आपका यहाँ पे ऐसे सेल लगा होता है, ये ऐसे, ये सेल है, मैक्रोफेज है, ये ऐसे एमएससी क्लास उसके ऊपर शो हो रही होती है। ठीक है, तो ये देखें इसकी कितनी है, 2 चेन्स है। एक ये देखें, ये वाली लॉन्ग चेन है ना, और ये वाली क्या है? शॉर्ट चेन है। और इसमें 2 इक्वल लेंथ चेन, इसमें दोनों चेन्स क्या होती है? इक्वल होती है। ये चेन और ये चेन दोनों क्या है? इक्वल चेन्स है। अच्छा, आगे देखें एक्सप्रेशन कि ये एमएससी क्लास 1 कौन कौन से सेल्स के ऊपर जहर होती है। ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स, जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स हैं जिनका न्यूक्लियस होता है, ये उनके ऊपर जहर होगी, एक्सप्रेस होगी। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स यानी मैक्रोफेजेस जितने भी हैं उनके ऊपर ये रिप्रेजेंट होगी। प्लेटलेट्स के ऊपर भी रिप्रेजेंट होगी, लेकिन आरबीसीज के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं होगी। क्यों? मैच्योर रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस ही नहीं होता, तो इनके ऊपर ये जहर नहीं होगी। लेकिन एमएससी क्लास 2 सिर्फ और सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर ही शो होगी। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? डेंड्राइटिक सेल्स और मैक्रोफेजेस। तो ये सिर्फ उन्हीं के ऊपर ही शो होगी, बाकी पे शो नहीं होगी। अगली बात, फंक्शन देखें, प्रेजेंट एंडोजीनस एंटीजन, ठीक है, तो आपको पता है एग्जांपल वायरल और साइटोसोलिक प्रोटीन्स यानी आपकी ट्यूमरल प्रोटीन्स हो गई, टू CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। सिंपल सी बात बता रहा है, एंडोजीनस होगा तो 1 को शो कराएगा, एंडोजीनस होगा तो अंदर का मामला है, पहला सॉल्व करेगा, और किसको देगा? CD8 को देगा। ये मैंने चीज आपको समझाई थी जो पहले में। और यहां पर प्रेजेंट एक्सोजीनस एंटीजन एग्जांपल बैक्टीरिया प्रोटीन्स, टू CD4 शो कराएगा, और ये एमएससी क्लास 2 के जरिए शो कराएगा। समझ आ गया? अगला देखिए, एंटीजन बाइंडिंग, एंटीजन पेप्टाइड लोडेड ऑन टू एमएससी क्लास 1 इन आरईई आफ्टर डिलीवरी वेया टीएपी। ये मैंने समझाया था ना कि पहले उसके टुकड़े होते हैं, फिर टीएपी के जरिए वो अंदर जाके दाखिल होती है, फिर जाके बाहर प्रोसेस होती है। तो ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड विद एंटीजन प्रोसेसिंग, इधर एंटीजन लोडेड फॉलोइंग रिलीज ऑफ इनवेरिएंट चेन इन द एसिडिफाइड एंडोसोम। जो एंडोसोम होता है वो एसिडिफाइड यानी उसमें हेटरोलाइटिक एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है, उसके अंदर इनवेरिएंट चेन आती है, वो पहले रिलीज होती है, कहना ना रिलीज ऑफ इनवेरिएंट चेन, तो फिर ही उसके ऊपर जाके ये लोड होता है। ये वो वाली बात बता रहा है। नीचे वाली बात क्या है, एसोसिएटेड पैटर्न, एसोसिएटेड प्रोटीन्स, कि इसमें कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, इनके जो स्ट्रक्चर होती है, इसमें बीटा 2 मैक्रोग्लोबुलिन होती है, जे वाली आपकी बीटा 2 मैक्रोग्लोबुलिन प्रोटीन्स होती है, और इसमें कौन सी चेन आ रही थी? इनवेरिएंट चेन आ रही थी, याद आ गया?
चलें जी, अगला इसकी स्ट्रक्चर उसने बताया, ये उसकी स्ट्रक्चर है, ये उसकी स्ट्रक्चर है, बाकी ये उसकी डिजीजेज हैं कि जो एचएल एंजाइम है इसकी डिजीज कौन कौन सी है। मेरे ख्याल में इतना काफी है, आप लोग थक भी गए होंगे, तो अगला टॉपिक इंशाल्लाह हम लोग कल पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।